पाकिस्तान को कोई एक जिसको कहते हैं ना कि एक अक्सर एक कहा जाता है कि रियासत माँ होती है, जो लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की, अपने दोस्तों की लाश लेके सड़क पे बैठे हैं, उनसे आप कह दें कि साहब वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कैश मांग रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं, उन्होंने कभी मांगा भी नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। और जहां तक आपकी ये बात है कि इंडिया ने मारा, वो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं, मतलब इसमें तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए कि इंडिया ने मारा। कहते हैं पानी ज्यादा छोड़ दिया पीछे से इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बाढ़ आ गई, टिड्डी आ गया थे तो वो भी इंडिया ने कर दिए, और सभी इंडिया ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाल बेहतरी की तरफ तभी जाएगा पाकिस्तान में जब मानेंगे कि ठीक है, हो सकता है इंडिया आपका दुश्मन है, हो सकता है इंडिया साजिशें भी करता हो, लेकिन अगर इंडिया की 100 गलतियां हैं, अगर आपके साथ 100 चीजें बुरी हो रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि 95 इंडिया कर रही है, आपको लगता है ना हम दुश्मन है, कफिर है, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं हम मान भी लेते हैं नाम के लिए ना कि इंडिया कर रही है, तो कहीं ना कहीं 100 में से 5 तो पाकिस्तानी भी सोचें कि यार ठीक है इंडिया वाले बुरे लोग हैं ना, 95% तो इंडिया वाले बुरे हैं, लेकिन हो सकता है 5% हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है, तो वो देखना चाहिए कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया क्यों मरवाएगा हजारों को, किस चीज के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मरवाया शियाओं को, इंडिया क्यों मरवाया, इंडिया का क्या फायदा है, हर चीज के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा। बस एक जिसको कहते हैं ना कि एक शगुफा छोड़ दिया हवा में कि इंडिया ने करवाया था, बस कहानी खत्म। तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, और जैसे मैंने बोला रियासत ना होती है, सबसे कोई संजीदा किस्म का इंसान, अब इनकी तो हरकतें भी ऐसी हैं कि इनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं समझ में आता। और जहां पे इमरान खान, वो आपके वो क्या नाम है, जुल्फी साहब है उनका पूरा नाम, मैं भूल जाता हूँ, जुल्फी बुखारी वो साहब, वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं, जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा है कि मसाकी साहब वो गए तो उन्होंने बोला कि इमरान खान के लिए तुम क्या करोगे, और मैंने तो मतलब ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये यू नो कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। जो अपने अपनों की लाश लेके बैठे हैं, 4-5 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करिए, एज ह्यूमन बींग्स, इंसान की तरह बातचीत करिए, हो सकता है मसले का कोई हल निकल आए। आप अच्छा चलिए इंडिया तो बुरा है, आप कह रहे हैं इंडिया ने मरवा दिया, ठीक है, चलिए आपकी शो है, मैं एक बार के लिए एकेडमिकली स्पीकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूं कि इंडिया ने, चलो इंडिया ने मरवा दिया, क्यों मरवाया ये छोड़िए, इंडिया ने मरवा दिया, आपने बोला हमने मर गया, क्या जरूरत है भाई, जिनके घर में जो लोग गए हैं, जो लोग जिनके घर में छिप हुए हैं, लोग मरे हैं, आप उनको उनको जाके जलील क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने बोला शेख रशीद को कि अपने बंदों को जाके जलील करो, मुझे ये तो बात ही समझ के बाहर है मेरे। जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर ये चीज़ तो बहुत एम्बैरेसिंग है जिस तरीके से जुल्फी बुखारी ने बात की और शेख रशीद ने बात की, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज में एक ये आपने ट्रेंड नहीं देखा है मेजर साहब के, जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे कह देंगे पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में खासतौर पर कुछ हो तो फौरन ही भारत का नाम ले लेते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, सिंध में भी भारत का नाम लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भारत का नाम लेते हैं, उसका रीजन है। और मैं आपको, मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए आरजू जी ये बात कर रहा हूं, इसमें इशू ये भी है आरजू जी की, कहीं ना कहीं जब आपने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कंस्ट्रक्ट बताया था ना, ये जो जानवर है ना जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं, दिस एनिमल सो टू से, ये इसको इसको दुश्मन चाहिए, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का दुश्मन नहीं होगा तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट किस काम का? अगर आपने फौज को इक्तदार में बैठाना है तो फिर आपको तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि साहब आपका ये दुश्मन है इसलिए फौज इक्तदार में बैठी है, कुछ तो आपको टारगेट देना पड़ेगा लोगों को, वरना लोग कहेंगे साहब ये जनरल साहब की 15 करोड़ की कोठी कैसे है, इनकी तो तनख्वाह इतनी नहीं थी, आपको आपको कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी, तो फिर स्टोरी में वो इंडिया आ जाता है। हमारे यहां भी लोग हैं जो चीज में पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहां थोड़ा सा एक ये बात है कि हमारे यहां अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस भी हैं आरजू जी। जैसे एक नेता हमारा कहते हैं कि जो वैक्सीन है बीजेपी की है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी पूरा कार्टून चैनल चलता है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कार्टून चैनल नहीं चलता, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, लेकिन मुझे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना कि कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि आपने जो बात बोली है, जो जर्नल ने बात बोल दी वो आखिरी है, वो लफ्ज आखिर है, आपने बोल दिया वो जनरल है, ये नहीं है इंडिया में।
अभी तक, थैंक गॉड। जी बिल्कुल, आपने जैसे अभी वैक्सीन की बात की, कल भी मैंने एक डिबेट देखी थी और शायद परसों भी इंडियन टीवी पे, तो उसमें एक तरफ की पार्टी यही कह रही थी कि जो वैक्सीन बनाई है वो सबसे पहले मोदी जी अपने ऊपर ट्राई करें और अपने मिनिस्टर्स पे ट्राई करें, तो आपके अपने ही लोग जो हैं वो भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन ठीक होगी जो भारत बनाने जा रहा है या बना चुका है? आरजू जी, ये देखिए, हमारे यहाँ ऑपोजिशन बातें करती है और उनकी भी गलती नहीं है ऑपोजिशन की। देखिए, सब हार गए, हार गए, इनके सबके कपड़े फट गए, इनकी जमानतें जब्त हो गई। अब इनका जो टोटल फोकस है वो टेलीविजन और सोशल मीडिया है, क्योंकि ग्राउंड पे तो रहे ही नहीं है, साफ कर दिया बीजेपी ने सबको ना, और आगे चल के 2024 में और पूरे साफ हो जाएंगे। ये मुझे तो लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सिंगल डिजिट में ना जाए पार्लियामेंट में। तो अब मैं क्या बोलूं कि विश्वास नहीं करते। देखिए, बात यह है कि विश्वास पूरा है। आप WHO का देखिए, WHO ने क्या बोला है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने क्या बोला है, जो बड़े बड़े वर्ल्ड की क्रेडिबल बॉडीज हैं वो क्या बोल रही हैं, है ना? तो पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंडिया, सेइंग वेल डन। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना है। कल अगर इनको बोल देगा, बड़ा पॉपुलर जोक है इंडिया में कि कल अगर इन ऑपोजिशन पार्टीज को मोदी बोल देगा ना कि जहर मत पियो, जहर पीने से मर जाते हैं, ये सबके सब एक लाइन में जहर पी लेंगे, ये कर देंगे ऐसा। क्योंकि एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है आरजू जी, एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि आप, क्योंकि उस आदमी ने इनका सब कुछ छीन लिया। आप समझिए, डिमोनेटाइजेशन से बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत चोट पहुंची है। जो बेसमेंट भरी थी ना, हजार हजार के नोटों की गड्डियां भरी थी, कई 100 करोड़, वो सब उसने 8 बजे अनाउंसमेंट करी मोदी ने, 12 बजे वो रद्द भी हो गया। फिर जो भी बैंक में जो भी थोड़ा मोट चिल्लर जमा कर पाए, वो व्हाटएवर द केस, बट आप तो ये चीज है। तो बहुत शिकायतें हैं लोगों की, और पूरा जिस तरीके से इंडियन सिस्टम पूरा का पूरा उलट पुलट कर दिया है, तो और ये शिकायतें जाएंगी नहीं। बट बात यह है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, वो मोदी की लीडरशिप में बिलीव करते हैं, मोदी के नाम पे वोट डलते हैं, और मोदी के नाम से बीजेपी चल रही है। तो कई लोग हैं जो बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते, राइट? वो कहते हैं वो चाहे वेस्ट बंगाल में वोट दें, एक छोटे चुनाव में, छोटे इलेक्शन में, या तमिलनाडु में दें, और खड़ा कोई भी हो, कहते हैं हमने मोदी को वोट दिया। एज फार एज दे आर कंसर्न, उन्होंने मोदी को वोट दिया। सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रांड इक्विटी दैट नरेंद्र मोदी हैज, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ट्रिमेंडस ब्रांड इक्विटी। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि आपकी कंट्री आगे बढ़ सके, बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर साहब, एक इंडियन कॉमेडियन, मेरे उनका नाम भी है मेरे पास, मुनव्वर फारूकी, उसके बारे में न्यूज़ आई कि जी कोई कुछ कोई शो किया था शायद, और उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया, और उसके बाद केस फाइल हुआ है जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर